आज की इस वीडियो का मकसद बेड वेटिंग के इशू को डिस्कस करना है। बेड वेटिंग ये होता है कि जब बच्चे रात को सोते हुए बिस्तर गीला कर देते हैं। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान नज़ीर है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। पहली बात ये समझने की है कि 1 से 7 साल की उम्र तक ये जो मसला होता है कि जब बच्चे बिस्तर के अंदर पेशाब कर देते हैं और रात में कई दफ़ा भी कर देते हैं, तो 7 साल की उम्र से पहले इसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती। 7 साल के बाद भी जब इनका इलाज शुरू किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो है बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसके अंदर आप बच्चे को समझाते हैं कि मसला क्या है। बहुत सारे घरों में होता ये है कि जब बच्चा रात को बिस्तर गीला कर देता है तो उसको डांट पड़ती है, मार पड़ती है और इसकी वजह से बच्चा काफ़ी परेशान होता है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस तरीके से अगर आप बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे या बुरी तरह से उसके साथ पेश आएंगे तो उस बच्चे का फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा, इससे उसका मसला हल नहीं होगा। जो काम आप इस मसले को हल करने के लिए कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो एक बच्चे से दूसरे को लग जाए, ये कोई ऐसी बीमारी भी नहीं जो बहुत ख़तरनाक हो, ये एक बिहेवियरल मसला है, यानी कि बच्चे के बढ़ने के अंदर एक मसला होता है जिसमें वो ये कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके अंदर बहुत सारे तरीके इलाज के हैं, लेकिन वो सारे तरीके मैं डिस्करेज करता हूँ। ऐसी दवाइयाँ जिसमें नेज़ल स्प्रेज भी आते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो गोली की फॉर्म और सिरप की फॉर्म में भी आती हैं, लेकिन वो बच्चे की परवरिश में और बच्चे के बड़े होने में और उसके बिहेवियर के ठीक होने में रुकावट डालती हैं और उसको पायदार हल नहीं पेश करती। इस मसले के हल के लिए आपने सबसे पहले बच्चे से डिस्कस करना है और उसको समझाना है कि क्या मसला है। ज़ाहिर है वो अपनी उम्र के हिसाब से सीख सकेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर आपने उसकी कोशिश करनी है कि आप उसकी मदद करें ताकि वो इस मसले को एक तो समझे और फिर इससे निजात हासिल करने के लिए वो उन चीज़ों पर अमल कर सके जो आप उसे बताएं। इसमें सबसे पहले आपने बच्चे को ये बताना होता है कि शाम को 6 बजे के बाद अगर बहुत ज़्यादा प्यास ना लगे तो पानी नहीं पीना, दूध भी नहीं पीना, और उसके अलावा आप अलार्म लगा के बच्चे को उठा सकते हैं कि उससे वो उठकर पेशाब करे। इससे आहिस्ता आहिस्ता उसको इस बात की आदत पड़ जाएगी कि पेशाब जो है वो बाथरूम में जाकर ही करना है, और आप उसे प्यार से रोज़ ये बात समझाएँ कि बिस्तर गीला करना अच्छी बात नहीं है और आइंदा की ज़िंदगी में उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको समझा सकता हूँ कि इस मसले से किस तरह से डील करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।